बिटकॉइन का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट के राउंड तक करेक्ट हो चुका है और इसके साथ ही ओल्डकॉइन में भी एटी से नाइन्टी परसेंट तक की गिरावट आ चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से बट एक ओल्ड कॉइन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स का अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग बियर रन के बाद भी जिसका नेम है पोलीगन मैटिक 0.31 डॉलर का लो लगाने के बाद से अभी तक इसके प्राइस में 100 परसेंट तक का जंप आ चुका है इसके साथ ही कई सारे न्यू अपग्रेड एंड प्रोजेक्ट पोलीगन नेटवर्क पर आए हैं इस वजह से पोलीगन सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके लिए इस बियर रन में इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले जानते हैं दोस्तों पोलीगन मेटिक है क्या मैटिक को बनाया गया था दोस्तों इथेरियम ब्लॉकचेन और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल एंड इंप्रूव करने के लिए और मैटिक फर्स्ट प्रोजेक्ट था ऐसा करने वाला हम सभी जानते हैं इथेरियम बिटकॉइन के बाद सेकंड सबसे डोमिनेटेड क्रिप्टो है इथेरियम लीडर है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि इथेरियम कंपेटिबल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑपरेट करने के लिए जिस वजह से डिसेंट्रलाइज्ड ऐप को क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाता है इथीरियम ब्लॉक पर और जैसे ही इथीरियम की पॉपुलरिटी में ग्रोथ हुई इथीरियम ब्लॉक को यूज़ करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता गया है यूज़र्स के लिए क्योंकि पॉपुलैरिटी के साथ ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इथेरियम ब्लॉकचेन पर गया जिस वजह से जो गैस फीस थी इथेरियम पर उसमें ह्यूज राइज देखने को मिला कई न्यू प्रोजेक्ट के लिए इथेरियम को अफोर्ड करना ही मुश्किल हो चुका था इस प्रॉब्लम को देखते हुए पोलीगन को बनाया गया है दोस्तों पोलीगन नेटवर्क इथीरियम के सभी टूल्स का यूज़ करता है उसके साथ साथ ये बहुत ही फास्ट एंड चीपर भी बन जाता है यूज़र्स के लिए आप इस तरह से समझ सकते हो कि पोलीगन एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो बहुत ही फास्ट मूव करती है और कम से कम स्टेशन पर रुकती है पोलीगन को आप वजीरक्स क्रिप्टो एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप वजीरैक्स पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और पोलीगन में इन्वेस्ट कर सकते हो अब बात करते हैं क्या फ़ीचर है पोलीगन के फर्स्ट है दोस्तों पोलीगन बहुत ही फास्ट एंड चीपर वे है ट्रांजैक्शन का ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन। सेकंड है दोस्तों इसके थ्रू जो यूजर्स है वो मल्टी चैन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं थर्ड है, है दोस्तों पोलीगन नेटवर्क बहुत ही स्मूथली वर्क करता है और अपने यूजर एक्सपीरियंस को राइज करता है फोर्थ है ये एक साइड ब्लॉक है दोस्तों पब्लिक के लिए जो नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करती है विद इन इथीरियम इकोसिस्टम इसके साथ ही इन्होंने चार स्केलिंग सोल्यूशन भी रिलीज़ किए हैं फर्स्ट है पोलीगन पी ओ एस पॉइंट ऑफ टेक ये लेयर टू स्केलिंग सोल्यूशन है जिसके थ्रू पोलिगन को हाई ट्रांजेक्शन स्पीड एंड कॉस्ट सेविंग में हेल्प मिलती है सेकंड है पोलीगन हारमेस ये भी लेयर टू सॉल्यूशन है दोस्तों जो इथीरियम की स्केलेबिलिटी इशू को सॉल्व करता है थर्ड है पोलीगन एज पोलीगन एज दोस्तों यूजर्स को अलाउ करता है अपनी खुद की ब्लॉकचेन रन करने के लिए पोलीगन नेटवर्क पर फोर्थ है दोस्तों पोलीगन नाइटफॉल ये ट्रांजेक्शन की प्राइवेसी को और ज़्यादा सिक्योर करने पर फोकस करता है ये थे दोस्तों पोलीगोन के फीचर्स एंड उसके स्केलिंग सोल्यूशन जिसको उन्होंने अभी अपग्रेड किया है अब बात करते हैं क्यों पोलीगन क्रिप्टो फ्यूचर में वन ऑफ दी बेस्ट ओल्डकॉइन होने वाली है लूना क्रिप्टो में क्रैश की वजह से टेरा नेटवर्क पर जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट थे वो किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो गए हैं और उसमें से 50 के अराउंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो स्विच कर गए हैं पोलीगन नेटवर्क के ऊपर जिसमें बहुत सारे प्ले टू वन गेमिंग प्रोजेक्ट एन एफ टी मार्केट प्लेसिस और मेटावर्स प्रोजेक्ट इंक्लूड है जिस वजह से पोलीगन नेटवर्क का जो यूज़ है उसमें और ज़्यादा राइस देखने को मिलेगा टेरा के ख़त्म होने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसी को हुआ है तो वो है पोलीगन ब्लोक इसके साथ ही पोलीगन ब्लॉक ने अपने यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए कई न्यू फीचर भी रिलीज किए हैं लाइक लिक्विड स्टेक जो यूज़र को अलाउ करेगा टू स्टेक देयर होल्डिंग एंड रिटेन द लिक्विडिटी ऑफ देयर टोकन्स जिससे यूज़र्स अपनी कैपिटल को और ज़्यादा इफ़िशेंटली यूज कर पाएंगे इसके साथ ही पोलीगन ने वेब थ्री में भी एंट्री कर ली है कई नियो बैंक्स के साथ अलायंस करके और डिज्नी ने भी पोलीगन को सिलेक्ट किया है अपने प्लेटफॉर्म पर वेब थ्री को और ज़्यादा एक्सेलरेट करने में और हम सभी जानते हैं डिजनी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म में से एक है इसके साथ ही पॉलीगन बेस्ड एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म फ्रंट फैंस 72 आवर के अंदर ही सोल्ड आउट हो गया है फ्रंट फैंस एक वेब थ्री कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो यूज़र्स को कंटेंट मोनेटाइज करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ऐसे कई और प्रोजेक्ट की रैंक में भी काफ़ी राइज देखने को मिला है दोस्तों जो पोलिगन ब्लॉक पर बेस्ड है ये सभी फैक्टर मिलकर दोस्तों पोलिगन को फ्यूचर की वन ऑफ दी बेस्ट एंड लीडिंग क्रिप्टो करेंसी बनाने में हेल्प करने वाले हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें मैटिक के चार्ट पर भी देखने को मिल रहा है जहाँ एक साइड जो बिग मार्केट कैप क्रिप्टो है उनमें रिकवरी बहुत ही स्लो देखी जा रही है इसके अपोजिट मैटिक के प्राइस में हमें फास्ट रिकवरी देखने को मिल रही है और इसके प्राइस में 100 परसेंट से ज़्यादा का जंप आपको देखने को मिल रहा है अभी मैटिक का प्राइस 0.77 डॉलर के नाउंड चल रहा है और आप चार्ट पर देख सकते हैं लास्ट वन मंथ से कंटिन्यू मैटिक का प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बना हुआ है और जैसे ही बिटकॉन के प्राइस में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी मैटिक का प्राइस और तेज़ी से अप जाएगा बट एक बात का ध्यान जरूर रखिए दोस्तों पॉलीगोन भी अदर क्रिप्टो करेंसी की तरह ही वोलेटाइल है इसलिए जब भी इसमें मनी इन्वेस्ट करें तब खुद से रिसर्च जरूर करें यह था दोस्तों आज का हमारा वीडियो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू जय हिंद